जनपद में ईद उल अजहा बकरीद पर्व के दृष्टिगत रूट डायवर्जन किया गया था। इस दौरान ट्रैफिक विभाग द्वारा 10 जुलाई को सुबह 6 बजे से 12 बजे तक सभी रूट डायवर्जन किया गया था, जिसको देखते हुए जामा मस्जिद घंटाघर की तरफ जाने वाले रास्ते को नमाज के शुरू होने से खत्म होने तक सभी वाहनों को प्रतिबंधित किया गया था। अलहदादपुर की तरफ से घंटाघर की तरफ रायगंज होते हुए सभी प्रकार के वाहन को प्रतिबंधित किया गया था तथा नॉर्मल टैक्सी स्टैंड से घंटाघर के मार्ग पर जाने वाले सभी प्रकार के वाहन को भी प्रतिबंधित किया गया था। इसके अलावा टीपी नगर तिराहा से नॉर्मल टैक्सी स्टैंड से तुर्कमानपुर घंटाघर घोष कंपनी की तरफ जाने वाले वाहन को प्रतिबंधित किया गया था, जिसकी वजह से नमाज सकुशल संपन्न हुआ और रूट डायवर्जन का भी कड़ाई से पालन करवाया गया।